फिलहाल अभी हमारे साथ है नबम रोजर जी, जो कि हकीमिन के रहने वाले हैं। तो जो कल जो जो हम्बियारों की तरफ से जो स्टेटमेंट दिया गया था, तो उनका उसका ऊपर में क्या कहना है सर? ये बियारो ने कल जो स्टेटमेंट दिया था, मैंने देखा है उसको लाइव में, ऑन डिटेल देखा है। और हमने सुना कि वो बियारो का अपना तरफ से जो दिया है वो तैयारी के साथ दिया होगा, लेकिन फिर भी वो संतोषजनक बिल्कुल भी नहीं है। संतोषजनक इसलिए नहीं होता है, वो आप एक सिंपली सा माफ़ मांग करके चला जाएगा या छोड़ देगा, इस तरह का नहीं होना चाहिए। ये हमारा आपका शुरुआत वाला एक कमेंट से शुरू करता है। आपने बोला कि ये आपने बहुत कैजुअली ले लिया है, और कैजुअली किसी को बोल दिया है कि यार ये वो कोई बिलगर होगा, असम होगा, आधा असम आधा अरुणाचल, ये इस तरह का आधा अरुणाचल आधा असम बोल करके ये हमारा सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का स्टेटस क्वो को आप ख़राब कर रहा है। तो इस तरह का ब्रीच ऑफ ये कोर्ट ऑर्डर होना नहीं चाहिए। और दूसरी बात, तो आप जब आप किसी लोकेशन में या किसी एरिया में आप इवेंट करता है या कुछ भी करता है, आज इनॉग्रेशन डिफेंस मिनिस्ट्री के साथ, मिनिस्टर का साथ में इनॉग्रेशन हुआ है, उसमें आप देखिए, इसमें आप वहाँ जब इवेंट करता है तो उसके एडमिनिस्ट्रेशन होगा, लोकल एरिया का जो विधायक है या कोई पंचायत लीडर होगा, उन सब से सलाह मशवरा करके, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है और सारा, उन सब से सलाह मशवरा करके किस तरह से होना चाहिए नहीं होना चाहिए, वो आप इनके साथ डिस्कस करके ये इवेंट होना चाहिए। आपने तो उसके वजह उल्टा ही आप गूगल के साथ आप ये किया, तो गूगल मैप तो गलती दिखाता है, वो एक प्राइवेट इंटरप्राइजेस कंपनी है। तो गूगल तो आप सरकारी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, गूगल एक प्राइवेट कंपनी है, तो उनके भरोसा हम कैसे जा सकता है? तो आप वर्षों से है, मैंने मेरा जब होश संभाला है तब से मैं बीआरओ और या ग्रिप को जानता हूँ। ये तो बिल्कुल आप ऐसा नहीं है कि आप अनजान हैं, इस तरह का नहीं है। आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप इसका इंटेंशन क्या है। और दूसरी बात, आपका जो भी ये है, इसमें कोई ज़्यादा कुछ बड़ा बात नहीं हो रहा, आपने दुनिया भर का ये किया, लेकिन आपने माफ़ी मांगा है, ये बड़ा चीज़ होता है। आप इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, बॉर्डर रोड का डिफेंस मिनिस्ट्री को रिप्रेजेंट करता है ये रोड कंस्ट्रक्शन में, तो माफ़ी मांगा है, मेरा ख्याल से ये तो एक बात होना चाहिए। पर भी इसके साथ आपने जो कमेंट डाला है वो गलत डाला है, और इस तरह का आगे में होना नहीं चाहिए। तो सर, जो हबियारो की जो द्वारा से अगर जो स्टेटमेंट जो दिया था, तो वो मतलब कितना तक आपको क्या लगता है कि कितना तक मतलब ये इम्पेक्ट करेगा? ये देखिए, मैं मेरा किमिन, मैं किमिन का नेटिव हूँ, और नेटिव ही सिर्फ नहीं है, मैं खुद बाउंड्री के सामने में रहता हूँ, बिल्कुल बीआरओ सॉरी आईटीबीपी का कैंप के बाहर तरफ है हमारा बस्ती, लोरा बस्ती है, और वो हमेशा डिस्प्यूटेड रहता है। और इस तरह का कमेंट, ये आप सुप्रीम कोर्ट का अवमानना करके इस तरह का कमेंट किया, आप इतना कैजुअल ले लिया कि ये आगे जा करके आसाम का सरकार ने, क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट में एविडेंस स्टेज में है, तो एविडेंस स्टेज में जो भी ये है, आप अभी एविडेंस दे रहा है कि असम सरकार आप आइए और इस जगह को लेके जाइए, तो इस तरह का एविडेंस स्टेज में आप इस तरह का काम करना, और आप असम को मौका दे रहा है कि आपने इस तरह का मतलब कि असम क्लेम करना है हमारा ये किमिन टाउन को, और ये हमारा लोरा बस्ती है, और वहाँ बेलो है जो बॉर्डर एरिया में है, और इस तरह का काकोई है, इस ऐसे जगह में आप असम को क्लेम करने का मौका एक दे रहा है, जो आप एविडेंस दे रहा है सुप्रीम कोर्ट का केस के ऊपर में एविडेंस दे रहा है, ये बहुत बड़ा चीज़ होता है। तो इसलिए मैं कहता हूँ, इस तरह का बीआरओ लापरवाही स्टेटमेंट ना दे, और इस तरह का लापरवाही काम ना करे, और आप बहुत रिस्पॉन्सिबल ऑर्गेनाइजेशन है, आज से नहीं है, आपका प्री इंडिपेंडेंस है, तो इसके लिए आप हमेशा सावधानी से स्टेटमेंट देना है। हाँ तो सर, हबियारों की द्वारा से जो कल जो बोला गया था वो लोग ने कि हम लोगों को जो कुछ इतना आइडिया नहीं है उसके बारे में, बॉर्डर इशू के बारे में, लेकिन आई थिंक जो 1962 से लेके आज तक जो हबियारों के द्वारा से जो वो लोग जो जितने जो बाउंड्री की जो मतलब एरिया में जो काम कर रहे हैं,
लेकिन वो कहते हैं कि अभी तक उसको कुछ नॉलेज नहीं मतलब इनके बारे में, आपको क्या कहना है? ये जो यही तो अनफॉर्चुनेट बात है, वो बॉर्डर इंटरनेशनल बॉर्डर के ऊपर में ध्यान दे रहा है बोलता है, लेकिन यहाँ हमारा आपका इवेंट में क्लियरली आप सारा सामान लोग को ये जहाँ अरुणाचल लिखा है या किमिन लिखा है उसमें से वाइट पेस्ट कर देता है, तो वाइट पेस्ट करके आप इसको आप अरुणाचल का एग्जिस्टेंस को नलीफाई कर रहा है, तो इससे तो पता चलता है कि आप अरुणाचल का एग्जिस्टेंस की ही हटा रहा है। इसका मतलब कि ये या तो चाइना का बॉर्डर असम से हो रहा है या तो कुछ इस तरह का है, तो ये बहुत सेंसिटिव मामला है, इसको हम सिर्फ अकेला कमेंट करने से नहीं होगा। पर भी मैं समझता हूँ इस तरह का बाउंड्री इशू 1962 वार के बाद बीआरओ ने आज तक जो बॉर्डर रोड्स का काम कर रहा है इसके ऊपर में काम चल रहा है। ये जो आप ऐसे अनजान होगा ऐसे बात नहीं है, अरुणाचल प्री इंडिपेंडेंस से ही मौजूद है और ये तब से है जब से शुरू से ही अरुणाचल बोल के नहीं था, पर भी ये एक ऐसे प्रोविंस है जुरी ये स्टेट या नेफा के नाम पे जाना जाता है, उस वक्त से ये बाउंड्री का इशू चल रहा है। आप जब आते हैं तो ठीक है आपको ILP नहीं लगता, वो सही बात है, लेकिन पर भी आप डिफेंस है बोल के ILP नहीं लग रहा है। आप जब जाता है तो वहाँ गेट लगा हुआ है, तो गेट में आप ILP ले करके जा रहा है उसको तो समझना है, वहाँ अरुणाचल असम ऑलरेडी क्लियर से लिखा हुआ है, तो आप इस तरह का केयरलेस बात कैसे बोल सकते हैं? तो सर देखा जाए तो अभी फ़िलहाल हमारे जो अरुणाचल में है बहुत सारा जो यूनियंस है उन लोगों ने जो है बीआरओ की जो अगेंस्ट में जो FIR जो लॉन्च किया गया है, आपको क्या कहना उनका ऊपर में लेके क्या कुछ क्या आउटकम आएंगे? हाँ ये FIR तो किया है, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये FIR एक करेक्ट मोड नहीं है, क्योंकि ये डिफेंस मिनिस्ट्री का मामला है और ये डिफेंस और सेंसिटिव चीज़ है और इनको FIR से अकेला नहीं होगा। और मैंने देखा है कि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर का ऊपर में भी FIR किया है, और ये तो गलत तरीका है। आप ऑर्गेनाइजेशंस आप अगर नियम से कर रहा है तो आपका नियत से सही से कर रहा है तो ठीक है, अदरवाइज मुझे नहीं लगता है कि इस तरह का FIR आप मौका मिल गया और किसी का ऊपर भी पॉलिटिकली मोटिवेटेड वाला FIR कर दिया, ये तो मुझे कहीं सही नहीं लग रहा है। लेकिन पर भी हमारा ऑल किमिन यूथ वेलफेयर एसोसिएशन उन्होंने जब धरना प्रदर्शन किया अल्टीमेटम दिया 10 दिन का अल्टीमेटम दिया था, उसके साथ अगर आप सपोर्ट करता तो हमारा बात समझ में आता, लेकिन इस तरह का FIR या फिर आप मैं इसको बिल्कुल जायज नहीं समझता हूँ। तो सर तो देखा जाए तो जो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से जो अभी तक ये जो बॉर्डर इशू को जो लेके हैं अभी तक कुछ स्टेटमेंट नहीं दिया, उनका ऊपर लेके आपको क्या कहना? हाँ जी ये सरकार को पता है इनको क्या करना है क्या नहीं करना है, सरकार अच्छी तरह का पता है, पर भी मुझे लगता है सरकार अपनी तरफ से एक राय रखना चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट अपना राय रखना चाहिए कि बीआरओ की इस तरह का हरकत से कितना नुकसान हुआ, कितना असर हुआ और लोगों के सेंटिमेंट पे कितना असर हुआ, इसके ऊपर में मुझे लगता है कि सरकार थोड़ा ध्यान देना चाहिए और वो अपना तरफ से एक स्टेटमेंट या फिर इस तरह का रिएक्शन मुझे लगता है कि थ्रू प्रेस या ऑफिशियल स्टेटमेंट का जरिए से आप निकाल देने से ठीक है, मैं ये समझता हूँ। हाँ थैंक यू सर हमारे साथ जोड़ने के लिए APN Live 24 पे। थैंक यू, आपने भी बहुत अच्छा काम कर रहा है, क्योंकि ये आपने देखा है आप भी लगातार वहाँ में जो इंसिडेंट्स का ऊपर में कवरेज कर रहा है और ये लोगों को बताने के लिए कोशिश कर रहा है कि इंसिडेंट्स हो क्या रहा है और लोगों के ऊपर में कितना असर पड़ रहा है और सेंटीमेंट के लोगों के सेंटीमेंट को आपने दर्शाया है, इनके लिए भी मैं अपने तरफ से थैंक्स कहते हैं। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग सभी को। आज हम लोग बॉर्डर स्टूडेंट यूनियन की तरफ से जो कल ADG बोरो ने जो स्टेटमेंट दिया है, जो मैनेज करके जो स्टेटमेंट दिया है, वो स्टेटमेंट को हम लोग टोटली कंडेम करता है और हम लोग को ये स्टेटमेंट जो है कैजुअली स्टेटमेंट जो दिया गया है तो हम लोग इसको टोटली हम लोग एक्सेप्ट नहीं करता है जो भी कल उसने स्टेटमेंट दिया है। और फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये बता दूँ कि आप लोग को बींग ए बॉर्डर स्टूडेंट यूनियन, हम लोग ने बॉर्डर एरिया के लिए है बहुत सारा डिस्प्यूट एरिया में हम लोग ने विजिट किया है, हम लोग ने वर्कआउट किया है बॉर्डर एरिया के लिए, और ये हम लोग हमेशा और इन फ्यूचर भी जो लोकल बाउंड्री कमीशन है जो सेटअप किया था 2014 को और उसका लीड किया था आपका तरुण चटर्जी जो रिटायर्ड हाई कोर्ट का जज था,
जो 2006 में आपने सुप्रीम कोर्ट में उन्हें सबमिट किया था कि जितना भी, और सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली ये डायरेक्शन दिया था कि आपका जो 70-80% जो डिस्प्यूटेड लैंड है इन बिटवीन आसाम एंड अरुणाचल, उसको आसाम गवर्नमेंट को दिया जाए। और काल का सबसे बड़ा दुख ये बात था कि आपका ब्रो का जो ADGP ने क्लियरली ये मेंशन किया कि किमिन आसाम का अंदर में आता है, वो लोग ने इसको किमिन आसाम का अंदर में आता है विदाउट कन्फर्मेशन, वो लोग ने ये चीज़ को कहा, कैजुअली कहा। और हम लोग ये सोचते हैं कि आपने ये बोल दिया कि ये आसाम का अंदर में आता है, किस बेसिस में बोला है? और जो गूगल का बात है, गूगल एक प्राइवेट सेक्टर का कंपनी है, गूगल का हिसाब से बोलने से तो अरुणाचल, ज़्यादातर अरुणाचल 70-80% अरुणाचल का फुट हिल एरिया जो असम का अंदर आता है, लेकिन हम लोग इसको नहीं मानता है। जो ये आपका लोकल कमीशन का जो रिपोर्ट था, हम लोग उसको ही हम लोग मानता है एज ए बॉर्डर स्टूडेंट यूनियन। एंड सेकेंड बात यह है कि आपका जो गूगल मैपिंग के बारे में आप लोग कहा है कि हम लोग गूगल मैपिंग से हम लोग ने मैनेज करके हम लोग ने प्रोग्राम को कराया है, गूगल मैपिंग से हम लोग ने वहाँ में आसाम एक काउंटर पास जो आसाम दिखाता है अरुणाचल दिखाता है, आप लोग इतना कन्फ्यूजन में ये काम करना, इसको हम टोटली नहीं मानता। ये आप लोग का गलत, सरासर गलत स्टेटमेंट है। अगर आप लोग बोलता है कि हम लोग गूगल से काम कर रहा है, BRO को गूगल से प्रोजेक्ट को काम चला रहा है, तो आपका हर कोई कुछ एक्टिविटी आपको क्रेडिट करने के लिए है, आपको कंस्ट्रक्शन के लिए या रोड प्रोजेक्ट के लिए आपको लैंड सर्वे करना पड़ता है। जो आप लोग लैंड सर्वे, विदाउट लैंड सर्वे गूगल में आप लोग रास्ता बना रहे हैं वहाँ में ब्रो लोग, इसलिए हम लोग नहीं मानता है आपका। अगर कुछ एक्टिविटी आपको क्रेडिट करना है आपको वो लैंड में, तो आपका लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को आप इन्फॉर्म करना पड़ेगा, वहाँ फॉरेस्ट क्लियरेंस होता है, ROW होगा। विदाउट एडमिनिस्ट्रेशन को आप लोग कन्फर्म नहीं करके, इंटीमेशन नहीं देके, आप लोग कैसे ये ब्रो का रोड को आप लोग बना रहे हैं वहाँ में? तो इसलिए हम लोग अभी भी अगेन बोल रहे हैं कि हम लोग गूगल को हम लोग नहीं मानता है, और जो ब्रो का जो स्टेटमेंट है टोटली उसको हम लोग कंडेम करता है। और हम लोग एक बात बोलना चाहेगा कि अभी आप लोग देखिए, सिंपली जितना भी एपिसोड हो रहा है, जितना इश्यूज हुआ है अभी का तक, ये किमिन इश्यू जो लेके, वहाँ में आपका गवर्नमेंट का एक भी स्पीकर या गवर्नमेंट का स्पोक पर्सन या गवर्नमेंट का बॉडी से कोई भी आके अभी तक क्लियर स्टेटमेंट नहीं दिया कि ये क्यों हुआ है, किस लिए हुआ है और किसने कराया है। कल आप ADGP के देखिए स्टेटमेंट को, उसने बोला है कि हम लोग का तरफ से कुछ गलती नहीं हुआ है, गलती हुआ है तो नीचे से हुआ होगा, नीचे लेवल में। नीचे लेवल कौन है? नीचे लेवल में आपका ब्रो ने खुद ही आपका फंक्शन को ऑर्गेनाइज किया, प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया है, ब्रो का अंदर में ही सब कुछ हुआ है, तो ब्रो का आदमी उसको ओमिट किया होगा आपका अरुणाचल को। तो एक एज आप एक इतना बड़ा एक आपका एक ऑर्गेनाइजेशन है, आप ये कहना चाहता कि हम अभी डायरेक्शन देता है कि जितना भी हमारा नीचे लेवल में जो गलती हुआ है उसको हम इंक्वायरी बैठाते हैं, आप ऐसे भी एक स्टेटमेंट दे सकते हैं, लेकिन आपने सिंपली बोला कि हमको पता नहीं है, हमको कुछ आइडिया नहीं है, कुछ नॉलेज नहीं है इसका बारे में, कौन क्या नहीं क्या, ये तो सरासर गलत है, ये कंस्पिरेसी है उसका तरह साइड से। एंड हम लोग का ये पॉइंट है कि आपका पेमा खांडू जी जो हम लोग का CM है, गवर्नमेंट CM है, जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का अंदर में एक फेडरल स्ट्रक्चर है स्टेट का, आप स्टेट का एक मालिक है, आप स्टेट को रन करता है, लेकिन आपका अभी जो हम देखा, आपका जो आपको बोलता है जो आदमी लोग डायनेमिक लीडर, यंग लीडर बोलता है, आपका इंटेलेक्चुअल को अभी हम डाउट करते हैं, आपका इंटीग्रिटी को हम डाउट करते हैं, आपका अंदर में हम लोग का लाइफ प्रॉपर्टी को हम लोग भरोसा नहीं है, आपका अंदर, आपका गवर्नमेंट्स का अंदर में हम लोग बैठने के लिए अभी आपका एडमिनिस्ट्रेशन शुरुआत से ऊपर चीफ सेक्रेटरी से लेकर आपका ADC किमिन तक आपका फेलर है, सब क्वेश्चनेबल है अंदर इसमें, ये इशू में सब जानता है कि क्या क्या किसी का गलती, कौन का गलती है। आपका उस दिन भी वहाँ में जो किमिन इशू में जो हमारा CM साहब ने आया था, वो कुछ भी कंसर्न नहीं है इशूज को लेके, क्या हुआ है नहीं उसको आता पता नहीं है बोलता, वो सिंपली बोल रहा है, वो भी कैजुअली आता पता नहीं है। तो आपको आता पता नहीं है उसको, आप कैजुअली उसको आप बोलते हैं कि हम गया था मीटिंग अटेंड किया था, हमको लगता है वो स्टेट का एक पेरेंटल बॉडी, एक स्टेट का एक हेड ऑफ ऑके नहीं गया, वो BJP को प्रमोट करने गए वहाँ में, सिर्फ BJP पार्टी को। अरुणाचल प्रदेश एक ऐसा स्टेट है जिसने अपना उसका फेडरल स्ट्रक्चर है, जिसका सबसे हेड ऑफ है आपका हमारा चीफ मिनिस्टर सर जो पेमा खांडू है। तो हम ये पूरा होल एपिसोड में दिखाई देता है कि ये डिफेक्शन है अरुणाचल गवर्नमेंट का, एडमिनिस्ट्रेशन का टोटली डिफेक्शन है, और ये वीकनेस है, पर्सनल वीकनेस है पेमा खांडू का, जो हवा होनेबल CM सर है। आप उस दिन यहाँ प्रोग्राम को अटेंड किया है, आपका अभी तक इतना सारा इशू हो गया, अभी तक ये इशू जो इतना बर्निंग इशू हो गया, लेकिन आपका वहाँ में लोकल MLA था या होम मिनिस्टर
या आपका सीएम सेल से, ना कोई स्पीकर अभी तक गवर्नमेंट बॉडी से कोई भी स्टेटमेंट इसको जारी नहीं किया कि रीजन क्या है, किस लिए हुआ है और क्या किससे गलत हो गया। आप कल ब्रो को आपने जो मैनेज करके, जो आप फोर्स करके, हमको तो लगता है फोर्स करके आप लोग मैनेजमेंट करके आप लोग ने स्टेटमेंट देने दिया, ये स्टेटमेंट बिल्कुल बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। इसमें ये स्टेटमेंट टोटली कंस्पिरेसी है, इसको हम लोग टोटली नहीं मानते। और आप उस दिन वहाँ गया है, किमिन में गया है, बींग ए सीएम ऑफ अरुणाचल प्रदेश, आप लोग का आपको बोलता है, आपका बीजेपी कार्यकर्ता बोलता है कि आप यंग एंड डायनेमिक है, यंग एंड डायनेमिक आप होता होगा, आप बीजेपी कार्यकर्ता के लिए होता होगा, लेकिन अभी आपका इंटीग्रिटी, आपका आपका हम पॉलिसी प्रोग्राम को हम भरोसा नहीं है, बींग ए अरुणाचल हम अभी भरोसा नहीं है आपका इंटीग्रिटी को, आपका एडमिनिस्ट्रेशन को भरोसा नहीं है। तो अभी आपका जैसे कि आपका किमिन में आपका बोल ब्रो लोग बोल रहे हैं कि आपका किमिन जो अरुणाचल में आता है, तो अभी तो ये बहुत रिक्स हो गया, सेंसिटिव हो गया। इन फ्यूचर वहाँ का लाइफ एंड प्रॉपर्टी ऑफ वहाँ में जो इनहेबिटेंट करता है किमिन में, और किमिन का सिर्फ नहीं, इंटायर स्टेट का अभी फुट हिल एरियाज का ये बहुत लाइफ एंड सिक्योरिटी का रिक्स हो गया। अभी गूगल का हिसाब से दिखाने से सब वहाँ आसाम जो फुट हिल एरियाज से पड़ता है, तो इसलिए हम लोग इसको बिल्कुल नहीं मानता है। और ये कहा जाता है कि आप सीएम ने वहाँ आप विजिट किया, विजिट करने का आफ्टर डेट आपने बोलता है कि ये हमको आइडिया नहीं है, कंसर्न नहीं है ये मैटर को, तो इसको हम टोटली नहीं मानता है। और ये एक क्वेश्चनेबल है कि जो रिकमेंडेशन किया गया है कल वो एडीजीपी की तरफ से कैजुअली जो बोला गया है वो टोटली वायलेशन है, इंटरनेशनल बॉर्डर के लिए भी वायलेशन है, हम लोग आसाम अरुणाचल का बॉर्डर के लिए भी वो टोटली वायलेशन है। क्योंकि अब हम लोग अरुणाचल नहीं होगा तो चाइना कौन सा बाउंड्री में आप क्लेम करेगा, और आप उसको भी आप ब्रीच करके तोड़ के जाता है, आप वायलेशन करता है, फिर आफ्टर डेट आपका आसाम एंड अरुणाचल का आप पता है सुप्रीम कोर्ट में आप कोर्ट सब जुडिस है मैटर जो कोर्ट में चल रही हियरिंग, आपका ये स्टेटमेंट ब्रो का ये स्टेटमेंट और गवर्नमेंट का ये केयरलेस है, कल का वजह में अगर कुछ भी इंसिडेंट होता है, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम होता है आसाम अरुणाचल में, तो ये रिस्क कौन लेगा, आप गवर्नमेंट लेगा या कौन या ब्रो लेगा। सो बींग हम लोग ऑल अरुणाचल प्रदेश बॉर्डर स्टूडेंट यूनियन, एक हम लोग बॉर्डर एरिया का पेरेंटल एक ऑर्गेनाइजेशन है, और हम लोग बॉर्डर इश्यूज़ को कभी भी हम लोग वो नहीं करेगा, हम लोग पीछे नहीं रहेगा बॉर्डर इश्यूज़ का बारे में, ज़मीन का बारे में, हम अपना ज़मीन का बारे में। तो हम लोग ये चाहता है कि जितना भी ये एपिसोड हुआ है किमिन का इश्यूज़ जो हुआ है, हम लोग एक चाहता है कि इसको स्ट्रॉन्ग एक इंक्वायरी टीम बिठाना चाहिए है, चाहे वो NIA का तरफ से हो या CBI का तरफ से, उसको इंक्वायरी करना चाहिए किमिन का इशू को, और गवर्नमेंट का तरफ से इसको एक क्लियर स्टेटमेंट देना है, क्लियर डायरेक्शन देना है, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, विदाउट एनी हेजिटेट, वो लोग इसको स्ट्रांगली एक रिकमेंड करना चाहिए कि किसी भी इंक्वायरी को एक तो नेशनल लेवल का इंक्वायरी सेटअप करना चाहिए उसका अंदर में। और ब्रो लोग जाके जो मेन स्ट्रीम मीडिया में है, जैसे आज तक ने कवर करके देखा है कि किमिन जो बिलगर आसाम में पड़ता है, तो इसको ब्रो लोग जाके क्लियरली वहाँ अपोलॉजी करना मांगना पड़ेगा आपका मेन स्ट्रीम मीडिया में, उसके बाद क्लियरिफिकेशन देना पड़ेगा ये मैटर को, हम लोग ये डिमांड करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी गुड मॉर्निंग, मैं अरुणाचल यूथ ऑर्गेनाइजेशन का जनरल सेक्रेटरी भाई ताज रोतम। ये जो है स्टेट जो बैक्स इशू है किमिन को लेके, तो उसका जो एक स्टेटमेंट ADG एडिशनल डायरेक्टर जनरल बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो दिया था कल रात, उसको लेके मैं कुछ ऑर्गेनाइजेशन का तरफ से कुछ बोलना चाहूँगा। तो ये जो है किमिन इशू को लेके कल जो BRO ने जो स्टेटमेंट दिया है उसको लेके हम लोग टोटली डिससेटिस्फाई है, और ये स्टेटमेंट जो है जस्ट पब्लिक का माइंड को इधर उधर घुमाने के लिए है, और इसमें कुछ क्लियर नहीं है, उस कुछ क्लेरिफिकेशन नहीं है कि ये क्यों हुआ है, किस लिए हुआ है और किस कारण से हुआ है। ये चीज़ पब्लिक जानना चाहता है, लेकिन जो BRO का स्टेटमेंट में ये चीज़ बिल्कुल रिफ्लेक्ट नहीं किया है। इसलिए जो BRO ने जैसे कहा है, ADG BRO ने जैसे कहा है कि उसको कुछ मालूम नहीं है इस इशू को लेके, और उन्होंने ये भी कहा था कि इनोग्रेशन से पहले दो दिन पहले गूगल को सर्च करके, तो गूगल का थ्रू से उनको लगा था कि आधा असम है आधा अरुणाचल है, तो उस हिसाब से उसको उन्होंने कहा कि बारबेली जस्ट डिस्कस किया था, तो बारबेली डिस्कशन के चलते किसी उसका कोई ऑफिसर्स या सबॉर्डिनेट ऑफिसर्स ने उसको सीरियसली ले लिया, और उसको लेके जो किमिन जो इनोग्रेशन स्टोन में
जो अरुणाचल लिखा हुआ था इसको वेस्ट वेट पेस्ट कर दिया, ऐसे टाइप का स्टेटमेंट दे रहा है। वो अगर वो स्टेटमेंट ऐसा दे रहा है तो एडीजी जो तो हेड है तो वो जानना चाहिए कि उसका कौन ऑफिशियल्स ऐसा क्या है, ये गलत क्यों हुआ है, कैसा हुआ है, ये उसको बताना चाहिए। वो बोल रहा है कि कौन क्या है उसको टोटली मालूम नहीं है, और अभी ये भी बोल रहा है कि अभी कौन बताएगा कौन क्या है ऐसा, उसको आप वो ढूंढ के निकालना है कौन क्या है। आप इंटरनेशनल बाउंड्री को देखता है तो आप ये स्टेट बाउंड्री जो है, स्टेट बाउंड्री इशू जो है, ये मैटर जो ऑलरेडी कोर्ट में सब्जुदाइज है, तो उसको आप कैसे करके, आप ये गूगल से सर्च करके आप कैसे इसको आसाम है और अरुणाचल है बोल के कैसे डिक्लेयर कर रहा है। जब तक कोर्ट से वर्दिक नहीं आएगा तो आप कैसे करके उसको अरुणाचल का जो इनोग्रेशन स्टोन पिलार है उसमें आप कैसे अरुणाचल को वेट पेस्ट कर सकता है, ये क्वेश्चनेबल है। और जैसे आपका चीफ इंजीनियर, जो आपका जैसे चीफ इंजीनियर ने कहा था पहले स्टेटमेंट में कि ये कुछ इंटरनेशनल इशू को लेके कुछ डिप्लोमेसी का कारण से ऐसा हुआ है, तो अभी फिर आप एडीजी बोल रहा है ये चीज़ को मालूम नहीं है, हीट ऑफ द मोमेंट में शायद चीफ इंजीनियर बोला हो ऐसा बोल रहा है, ये आप दोनों का स्टेटमेंट तो टोटली कॉन्ट्रडिक्ट हो रहा है, एक अलग बोल रहा है एक अलग बोल रहा है, ये चीज़ तो हम लोग का तरफ से इसको टोटली डिससेटिस्फाई है और हम लोग इसको नहीं मानता है। क्योंकि आप इतना साल से बीआरओ जो है इतना साल से काम कर रहा है तो अरुणाचल एटलीस्ट आप उसको जरूरी नहीं था कि गूगल से सर्च करके अरुणाचल है या आसाम है, ये जरूरी नहीं था। आप जिस जगह में इनोग्रेशन कर रहा है उसमें ऑलरेडी लिखा हुआ है अरुणाचल है, आपको मालूम चलना चाहिए ये अरुणाचल है। आप अरुणाचल में इनोग्रेशन कर रहे हैं तो मालूम हो के, तो रीज़न आपका क्या कारण था जो अरुणाचल को उम्मीद करने का रीज़न क्या था, ये हम लोग को जानना है, हम लोग को पब्लिक को जानना है। अरुणाचल को आप बिलगर आसाम लिखने का रीज़न को हम लोग जानना है, उस चीज़ को आप नहीं बता के आप जस्ट स्टेटमेंट में इधर उधर भटका रहा है, पब्लिक को जस्ट पब्लिक माइंड को दैवाद करने के लिए आप जस्ट स्टेटमेंट दे रहा है कि इसको हम मालूम नहीं है। तो इसलिए हम लोग ये चीज़ को तोतेले हम लोग नहीं मानता है। और ठीक है, अगर आप मालूम नहीं है तो अभी आप जो आपका जो डिस्कशन बारबली जो डिस्कशन में आप जो गूगल सर्च करके जो बारबली डिस्कशन किया था उस समय उसको लेके शायद कुछ हो गया होगा, ऐसा आप स्टेटमेंट दे रहा है। तो आप अभी एक इंक्वायरी बिताओ, आपका ऑफिसर कौन ये गलत किया उसको आप एक इंक्वायरी बिताओ, इंक्वायरी बिता के निकालो, और निकाल के ये ऑफिसर का वजह से ऐसे मिसकम्युनिकेशन होने का कारण से या गलत होने का कारण से ऐसा हो गया बोल के उसको पब्लिक अपोलॉजी मांगने दो। ये किमिन इशू को लेके स्टेट गवर्नमेंट का तरफ से एक इंक्वायरी बिताना चाहिए, हाई लेवल इंक्वायरी बिता के आप दूध का दूध पानी का पानी निकालना है, किसका गलती का कारण से, किसका लूपहोल्स का कारण से ऐसा हुआ है, ये स्टेट गवर्नमेंट इंक्वायरी बिता के क्लैरिफिकेशन एक देना है। क्लैरिफिकेशन मतलब स्टेट गवर्नमेंट जो इंक्वायरी बिता के, जब इंक्वायरी में जब रिजल्ट निकलेगा तब जाके हम पब्लिक सेटिस्फाई हो सकता है, और जो किमिन वासियों है, जो अरुणाचल वासियों है, वो सेटिस्फाई हो सकता है, उसके लिए एक इंक्वायरी बिताना है। और हमारा ये बीआरओ से ये मांग है कि जैसे आपने मेनस्ट्रीम मीडिया में किमिन को असम दिखाया है, बिलगर असम बोल के किमिन को दिखाया है, जबकि किमिन जो है असम नहीं, अरुणाचल का पार्ट है, अरुणाचल है, तो इसलिए आप मेन स्ट्रीम मीडिया में जाके भी आप ये पब्लिकली अपोलॉजी मांगना है कि हमारा बीआरओ तरफ से ये गलती हो गया, ये अरुणाचल है, उसको हमने गलती से असम दिखा दिया बोल के आप जैसे कि मेन स्ट्रीम मीडिया में जैसे आज तक में दिखाया है, इंडियन टुडे में दिखाया है, ऐसे आप मेन स्ट्रीम मीडिया में भी जाके पब्लिकली अपोलॉजी मांगना है और रेक्टिफाई करना है कि ये असम नहीं है, ये अरुणाचल है। मेरे फ्रेंड्स, और मेरा नाम है गोदाग तकम, अरुणाचल यूथ ऑर्गेनाइजेशन प्रेसिडेंट। मैं कल एडीजी ने कल स्टेटमेंट दिया, एडिशनल डायरेक्टर जनरल बोरो जो, कल उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि उसी का खिलाफ मैं कंडेमनेशन करता हूँ, क्योंकि हमारा अरुणाचल को सिंस फ्रॉम 1995 में श्री गेगोंग आपुंग जी ने इनोग्रेशन किया था, तो उसी का जो नंबर लिखा वाला अरुणाचल का नाम को वाइट पेज से वो मिटाया, और ये ITBP हेलीपैड उसको भी मिटाया। वो चीज़ को अगर मिटाने का कारण से अरुणाचल में इतना साल से आप रहने का बावजूद भी आप मिटाना, ये बहुत
ये नाइंसाफी काम है। तो इसलिए मैं बात करता हूँ कि हमारा अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को हर एक पॉलिसी में सीएम जान जाता है, विदाउट सीएम में पॉलिसी मेकिंग हमारा प्रदेश में नहीं चलता है। तो सीएम जानते हुए आप 14 तारीख को आपका ऑफिस में आप दोनों ये बीआरओ बोरो जो आप दोनों लोग आप लोग मिलके मीटिंग बैठा तो उसी दिन में आप करेक्शन कर सकता था हमारा कमीन को क्यों बिलगर असम ऐसे लिख रहा है और ये चीज़ गलत है तो बोल के आप कमीन लिखना है बोल के आप सजेशन देना था। आप डिसीजन करने का बाद 17 में राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री आया, ऐसे आने का बाद आज ये हादसा इंसिडेंट हुआ, वो चीज़ को सीएम आप भी क्लियरिफिकेशन देना पड़ेगा। और मैं एडिशनल डायरेक्टर जनरल को मैं बोरो को मैं पूछता हूँ, अरुणाचल में आप 61 हमारा भारत में 61 ईयर्स आप बोरो जो है वर्कआउट किया हमारा भारत में, अगर आप मैप का सिलसिले में चलने से तो मैप अभी है या हम लोग का यहाँ में इंटरनल चीज़ को है फिजिकल में जाके वर्कआउट काम करता है और ये फिजिकल जाके किलोमीटर कितना है इसको जाके हम लोग काम करते हैं, उसी का जरिया में ये बहुत गलती है। या मैं अरुणाचल में हर एक जगह जाने से भी तो या असम पड़ जाता है, तो हमारा यहाँ में भी अरुणाचल जगह में भी असम होता है, असम का जगह में अरुणाचल होता है। यहाँ में प्रैक्टिकली हम लोग ये बात करना चाहिए, आप गूगल में सर्च करने से कहाँ होगा, गूगल में सर्च करने से नहीं होता है। इसलिए मैं ये बोरो का जो कल का जो है कैजुअल जो कल स्टेटमेंट दिया है उसी को हम कंडेम करता है। तो इसलिए मैं पब्लिक डोमेन में आप आके मेन स्ट्रीम आज तक में आप जाके वहाँ में एपोलॉजी लिखना पड़ेगा और बात करना पड़ेगा, हमारा प्रदेश में आप बात करने से नहीं होगा। तो उधर में जाके मेन स्ट्रीम आज तक में जाके आप बात करना पड़ेगा, उधर में हम सभी जनता के लिए हमारा पब्लिक और हमारा भाई बंधु के लिए और हमारा प्रदेश सैटिस्फाई होगा। तो जब तक वहाँ में जाके मेन स्ट्रीम में जाके आप एपोलॉजी बात नहीं करेगा हम लोग कभी मानने वाला नहीं है। तो इसलिए मैं एक्चुअली ना पॉलिटिकल लेवल से हुआ है ना ये आपका मजिस्ट्रेट लेवल से हुआ है ना वो चीज़ को क्लियरिफिकेशन जानने के लिए अब NIA होना पड़ेगा, इन्वेस्टिगेशन या होना पड़ेगा। ये सब नहीं होगा तो ऐसे जस्ट मीडिया में ब्रीफिंग करेगा और अंदाजुंदा में बात करने से नहीं होगा। इसलिए मेरा अपील है आप अरुणाचल का यंग एंड डायनेमिक लीडर है तो आपको मैंने चुन के पब्लिक जो 60 MLA जो आपको चुन के लीडर बनाया है आप अरुणाचल के लिए सोच के आप काम करना है। पब्लिक डोमेन में आप बोरो को जाके उधर में आज तक में इस जाके मेन स्ट्रीम में जाके हमें एपोलॉजी करना है। थैंक यू।